वेलकम टू क्रेजी क्लाउड्स। सो आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं अपना क्लाउड सीरीज में, उस प्लेलिस्ट में न्यू वीडियो आप देखेंगे। आप आई थिंक ये फिफ्थ वीडियो है हमारा, राइट? तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वेरी स्पेसिफिक IaaS सर्विसेज के बारे में, कि वो क्या होता है, क्या करता है, कैसे बेनिफिशियल है, कैसे कहाँ उसके प्रॉन्स है, कहाँ से कॉन्स है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंग डिटेल में, PaaS, PaaS। आज हम इसके सारे क्वेश्चंस पूछेंगे क्लाउन से, कि आप बताइए PaaS क्या होता है, PaaS का यूज़ कहाँ है, कैसे PaaS हेल्पफुल है, और एग्जांपल्स लेंगे हम समझने के लिए PaaS एक्चुअली होता क्या है। मे बी रियल लाइफ एग्जांपल हमको हेल्प करेगा। तो बाकी अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन भी बात होगी PaaS, IaaS और SaaS के बीच में, तो अगर आपको इफ़ यू वांट टू सी द प्रीवियस वीडियोस ऑफ आर क्लाउड सीरीज, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ से भी क्लैरिटी मिलेगा। IaaS का तो एक स्पेसिफिक टू IaaS वीडियो है जो आप देखेंगे पीछे चल भी रहा है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन कम हियर। और इफ़ इट इज़ फाइन, समराइज तो हम यहाँ करेंगे तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कि बताइए PaaS क्या होता है। तो जो PaaS होता है उसका मैं फुल फॉर्म बता दूं अपने व्यूवर्स को, तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके, लेकिन मैं PaaS में बात करने से पहले IaaS और SaaS को थोड़ा टच करना चाहूँगा, है ना, ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। और जब हम IaaS और SaaS की बात कर लेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा काइंड ऑफ कि यहाँ पर क्या मिसिंग है या फिर क्या क्या मिल रहा है PaaS में। तो IaaS में क्या होता है, जल्दी से इसको रैप करेंगे। तो IaaS में क्या है, जैसे आप ये पीछे मेरे लैपटॉप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर है, इट्स अ VM, है ना, वर्चुअल मशीन। ये क्लाउड में है, ये मेरे को एक्सेसिबल नहीं है, मतलब ये मशीन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखी हुई है, मेरी कंपनी के अंदर नहीं है, ये इट्स समवेयर ऑन द क्लाउड। ओके, तो इसमें क्या है, आपको कंप्यूट मिल रहा है, आपको रैम मिल रही है, CPU मिल रहा है, राइट, आपको स्टोरेज मिला हुआ है इसमें, आपको नेटवर्किंग मिली हुई है, राइट, ये तीन चीज़ें सेटअप होके मिडलवेयर है इसमें। तो ये कुछ सेटअप आपको मिला हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हैं बाद में, इवन दो यू डोंट हैव अ फिजिकल एक्सेस टू दिस मशीन, राइट, लेकिन ये मशीन को आप एक्सेस करते हैं क्लाउड में और उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आप उसके सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, राइट, आप उस अपने पैचेस रन कर सकते हैं उस पर। ये चीज़ें आपको IaaS में होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या मतलब इसका लिमिटेशन अगर मैं बोलूँ तो ये है कि आपको ओवरहेड बहुत है इसमें, राइट, IaaS में आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, राइट, तो लिटिल कॉम्प्लेक्स है ये IaaS में, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है और ईज़ ऑफ यूज़ थोड़ा कम है, इतना ईजी टू यूज़ नहीं है ना। तो सेकेंड जो मैंने बोला कि SaaS के बारे में बात करेंगे, तो SaaS में क्या होता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर या सर्विस, है ना। तो सॉफ्टवेयर या सर्विस का मतलब हुआ, जैसे आप हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब क्या है, ऐसा सर्विस है जो कि क्लाउड में रन हो रही है, राइट। तो ये SaaS है, इसमें आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, आप आओ सब्सक्रिप्शन लो, है ना, जैसे आपने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लिया कि आपको ऐड नहीं चाहिए, राइट, वो सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ये मॉडल है, तो SaaS सर्विस है वो। और उसके पहले उसमें अकाउंट बनाया, तो आपको बस अकाउंट बनाना है और आप YouTube अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, दैट व्हाट सॉफ्टवेयर सर्विसेज। आपको ये वरी नहीं करना है कि आपको कैसे डिप्लॉय करना है उस एप्लीकेशन को, कहाँ डिप्लॉयड है, क्या उसका स्केलिंग कैसे हो रही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आप यूज़ करिए, सारे फीचर्स आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं। आप अकाउंट बनाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, पेड अकाउंट बना ले सकते हैं आप, और सारा फीचर्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब आते हैं, बात करते हैं PaaS के बारे में, है ना। तो PaaS को हम आज आपको कोशिश करेंगे कि बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से, यू नो, कुछ एनालॉजीज लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरी एक कॉपी पे एक बार देख सकते हैं, मैंने कुछ एक ट्रायंगल बना रखा है ये, तो यहाँ पे क्या है, सबसे लोअर पे IaaS, बीच में क्या आती है PaaS सर्विसेज, ऊपर क्या है SaaS, राइट। तो अगर हम ऊपर जाते हैं इधर IaaS से SaaS की तरफ, तो क्या होता है, आपका ईज़ ऑफ यूज़ बढ़ता जाता है, राइट, PaaS इज मोर ईजी टू यूज़ देन IaaS, SaaS इट्स मोर, यू नो, इवन मोर ईजियर टू यूज़। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, राइट, तो SaaS में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी है, PaaS में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट IaaS में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। तो आपको, और इसमें अगर मैं बताऊँ कि ये IaaS कौन यूज़ करता है, PaaS कौन यूज़ करता है और SaaS कौन यूज़ करता है, लाइक किसके लिए यूज़फुल है ये। तो IaaS सर्विसेज अगर देखें तो आपकी जो कंपनी में IT में जो सिस एडमिन लोग होते हैं ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यू नो, उन लोग, वो लोग क्या करते हैं, IaaS को मैनेज करते हैं, राइट, उसकी सिक्योरिटी देखना, उस पर जो है कितना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो सब मेंटेन करना, ताकि डेवलपर्स को उसकी टेंशन ना लेनी पड़े, राइट। और जब PaaS की बात करते हैं, तो जैसे अभी हम Azure Cloud के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी PaaS सर्विसेज हैं, जैसे Azure App Service हो गया, Azure Storage Account हो गया, राइट, Azure Service Bus हो गई, Azure Key Vault हो गया। तो इसमें क्या है कि ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं PaaS सर्विसेज को मोस्टली, इट्स टारगेटेड फॉर द ऑडियंस वो आर डेवलपर्स, डेव टीम। और अगर आप SaaS की बात करें तो SaaS एंड यूज़र्स, है ना, एंड यूज़र्स आपके यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये
यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हमने बात करी पैस में। तो अभी ये तो हमने समझ लिया कि पैस क्या होता है और डिफरेंशिएशन भी देख लिया हमने। ये पैस के आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए एज्योर क्लाउड के ऊपर, कौन सी सर्विसेज पैस सर्विस होती हैं। ठीक है, तो जैसे पैस में क्या होगा, जैसे आपके जब आप नए एज अ न्यू है ना ज्वाइनर, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, तो जो लैपटॉप आपको रेडी करके देता है ना, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा या आईटी टीम में होगा, वो जो आपको लैपटॉप रेडी करके देता है, उस टाइम पे उसके पास जो लैपटॉप आता है कंपनी से, एचपी का हो या डेल का हो, किसी का भी हो, तो उसमें क्या होता है, वो बेयर मशीन होती है, जस्ट अ मेटल मशीन, राइट। उसके ऊपर उसमें रैम होगी, उसमें स्टोरेज होगा, उसमें कुछ नेटवर्किंग होगी, राइट। लेकिन उसके ऊपर आपको अगर लिनक्स पे काम करना तो लिनक्स ओएस डाल के देगा, वो रन टाइम डाल के देगा, क्योंकि आपको डॉट नेट एप्लीकेशंस रन करने हैं, राइट, आपको जावा एप्लीकेशंस रन करने हैं, आपको पाइथन एप्लीकेशंस रन करने हैं, तो वो रन टाइम चाहिए, राइट, रन टाइम स्टैक चाहिए, आपको नोड एप्लीकेशंस रन करने हैं, तो वो जब ओएस और रन टाइम डाल के दे देता है, तो वो क्या बन जाता है, पैस, पैस प्लेटफॉर्म, राइट। इट्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस नाउ। तो जब वो आपको लैपटॉप कन्फिगर करके दिया ओएस और रन टाइम डाल के, तो क्या हो गया, पैस। वो पैस का एक एग्जाम्पल है, अब आपको सिर्फ कोड करना है उस पर राइट, और डेटा प्रोड्यूस करना है और एप्लीकेशन चलानी है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आपने लैपटॉप ले लिया, आपने डेस्क पे लाके बैठ गए, उसके बाद में आपने क्या किया, डेटा और एप्लीकेशंस और कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन की डाल के आपने ईएक्सी बनाई और रन कर दी, वो यस आपका हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा पैस सर्विस में, जैसे ऐप सर्विस हो गई एजोर में, है ना। तो ऐप सर्विस कहाँ पर रन कर रही है उससे आपको मतलब नहीं है, राइट। उसमें कुछ लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो बाय द वे, फिर भी ऐप सर्विस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, जो ऐप के लिए है, ऐप से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है, ना कि उसकी मशीन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और इसमें क्या होता है कि पैस में भी आप जब एप्लीकेशन अपने डिप्लॉय करते हो, राइट, डेटा और एप्लीकेशन, तो उस टाइम पर भी आपको एक लिमिटेड स्केलेबिलिटी मिलती है ना, कि आप 2 CPU कोर से 4 to 8 यू नो 12 CPU कोर जितना जा सकते हो, एक मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे जितना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली उतना कर सकता हूँ मैं, ये नहीं है। अगर यही IaaS होता तो आप, इट्स अ क्वाइट गुड रेंज यू नो विच यू गेट इन टर्म्स ऑफ द स्केलेबिलिटी। तो लिमिट्स IaaS में ज़्यादा होती हैं, बिकॉज आपको खुद से ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा लिमिट्स मिलती हैं। पैस में कंट्रोल कम है तो लिमिट्स कम है। तो इफ़ यू सी फ्रॉम IaaS टू SaaS, ईज ऑफ यूज़ है, बट कंट्रोल यू नो इट गोज़ फ्रॉम आवर हैंड। एब्सोल्युटली, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द अंडरलाइंग सर्विसेज सॉफ्टवेयर दैट गोज फ्रॉम अवे फ्रॉम आवर हैंड, बट एज इन यू कम डाउन फ्रॉम SaaS टू IaaS, इट्स मोर कंट्रोल वी गेट। राइट, तो पैस के अगर कुछ सर्विसेज के बारे में बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जैसे बात करिए ऐप सर्विस है ना, एज़ योर स्टोरेज अकाउंट, एज योर सर्विस बस, फंक्शन ऐप्स, फंक्शन ऐप्स हो गए, लॉजिक ऐप्स हो गए आपके, है ना, बहुत सारी। पैस में आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी, मोस्टली 70% सर्विसेज जो है वो आपकी पैस कैटेगरी में आती है। आपकी AI सर्विसेज, आपकी IoT हब सर्विसेज जितनी भी हैं, आपकी डिवाइस प्रोविजनिंग सर्विसेज, ये सारी किस्में आ जाती हैं आपकी पैस में। तो होप हमारे व्यूवर्स को ये वीडियो समझ में आया होगा पैस के बारे में, और अगर आपको डिटेल में कुछ और चाहिए है ना, तो आप कमेंट से भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो हम उनके लिए है जो क्लाउड में स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी अपनी, राइट, तो उनको समझ में आया, एटलीस्ट पहले ये समझ में अगर आ गया तो वो बाद में कहीं से पढ़ के या कुछ करके अपना कर लेंगे पैस के बारे में। राइट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में वीडियो बनवाना है, जैसे ब्लॉग स्टोरेज क्या होता है ना, अजर स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, एक एक डिफरेंट सर्विस इन कैटेगरीज की, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। एब्सोल्युटली। सो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आस्क योर फ्रेंड्स एज वेल, योर ग्रुप एज वेल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वी नीड दिस हेल्प। थैंक्स एवरीवन। सी यू गाइस लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बिफोर वाइंडिंग दिस, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, हम दूसरी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक क्या सास। सास, ओके, वी कवर्ड IaaS, नाउ टुडे वी कवर्ड पास, नेक्स्ट इज सास। ओके, सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन सास। या बाय बाय।